हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी वर्कशीट एससीईआरटी की करेंगे, 56 क्लास थर्ड की। तो आज की थीम है मेहनती किसान। तो आइए इसको शुरू करते हैं बच्चों। गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना हम सभी को अच्छा लगता है। तो आइए आज देखते हैं खाना खाना कैसे आता है। ये कुछ किसान होते हैं जो कि दिन रात मेहनत करते हैं पूरी साल, और उसके बाद फसल को तैयार करते हैं जिससे हमारा भोजन बनता है। तो एक बच्चा है सार्थक, आज आपको बताता है कि किस प्रकार किसान खेती करता है और खाना हम लोग खाते हैं। पहले किसान मिट्टी में बीज बोता है ना। फिर जब मिट्टी में बीज बो लेता है, फिर उन बीजों को पानी देता है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। उसके बाद खेत के चारों ओर बाड़ लगाकर जंगली जानवरों की फसल से रक्षा करता है कि जंगली जानवर फसल में कुछ छेड़ाखानी ना कर सके, खाए ना कुछ। कुछ महीनों में जब फसल तैयार होती है तो वो बेचारा किसान इतनी सारी फसलों को लेकर जाता है, काट कर फिर उन्हें बाजार में बेचता है, फिर उससे पैसे मिलते हैं, है? फिर माँ बाजार जाती है, बच्चे बच्चे के मदर फादर बाजार जाते हैं, वहां से सब्जियां लेकर आते हैं, फिर मम्मी उन्हें प्यार से रसोई में पकाती है ना। उसके बाद सार्थक मम्मी की मदद भी करता है रसोई में। फिर जब खाना बन जाता है तो सारा परिवार रात को मजे से खाना खाता है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा प्रोसेस है किसान से लेकर हमारी थाली तक खाना आने का। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं किन औजारों की जरूरत होती है खेती में। तो ये सब औजार हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं। पहला ट्रैक्टर, दूसरा हल, तीसरा हाशिया, ये हाशिया होता है फसल कटाई में काम आता है, चौथी कुल्हाड़ी। अब आप अपने रसोई घर में पाई जाने वाली किन्हीं 10 सब्जियों या वस्तुओं के नाम लिखें जो खेतों से मिलती हैं। चावल, दाल, गेहूं, मक्का, सरसों, फल, सब्जियां, मसाले, कपास, बाजरा, मक्का आदि। तो इस तरह से आप ये आंसर्स को लिखेंगे और वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे बच्चों। यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। बाय बच्चों।